हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, जैसा कि दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, सो उसके लिए आपको पहले अपने असाइनमेंट्स को बनाना भी है। इग्नू में सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन असाइनमेंट्स ही सबमिट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्रेंड्स आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। सो ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, डाउनलोड सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में असाइनमेंट्स का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने से आपके सामने असाइनमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स प्रोग्राम वाइज। सो जितने भी प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन प्रोग्राम्स, इन सभी के असाइनमेंट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए जिस भी डिग्री पर आप क्लिक करेंगे वही पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको मास्टर्स डिग्री पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सभी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो गए। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर्स डिग्री पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, उस पर ही आपको क्लिक करना है, तभी आपको जो आपका असाइनमेंट है वो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं डिग्री प्रोग्राम वाइज ही आपको असाइनमेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर्स डिग्री की। सो मास्टर्स डिग्री पर जब आपने क्लिक किया तो सभी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आपके सामने हैं। आप जिस भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं उसे आप ओपन करेंगे। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, हम एमएचडी ओपन कर रहे हैं। एमएचडी पर हमने क्लिक किया, बहुत से सेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोर्स देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में है। सो यहाँ पर अगर आपको दिसंबर एग्जामिनेशन में अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो आपको जनवरी 2024 सेशन के असाइनमेंट्स को सबमिट करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024 सेशन। सो यहाँ पर आप किसी भी असाइनमेंट को ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने फ्रेंड्स MHD5 ओपन किया है। सो आप स्क्रॉल डाउन कर देखेंगे तो आपके सामने असाइनमेंट के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। फ्रेंड्स, आपको इग्नू में असाइनमेंट किस तरह से बनाना है कि डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और बिना किसी गलती के अपने असाइनमेंट्स को करेक्टली बनाकर सबमिट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इग्नू में असाइनमेंट्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो इसीलिए आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप कोई भी गलती करने से बचें। जब आप इस तरह से अपने असाइनमेंट्स को ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेशन ध्यान रखना है एंड सेकेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट, अंतिम तिथि 30th of September यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी तरह से MHD4 का भी मैंने आपके लिए असाइनमेंट ओपन किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं October 2024 मेंशन किया गया है। सो यही फ्रेंड्स असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको इन्हें ओपन करना है और आप इन्हें डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस तरह से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, जिसमें फ्रेंड्स आपको सेव का बटन भी नजर आ रहा है, आप इन्हें यहाँ से सेव कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप अपना असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसे भी अपने असाइनमेंट के साथ अटैच करना होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट का फ्रंट पेज, आपका इग्नू का आईडी कार्ड और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपने कौन से कोर्स कोड का असाइनमेंट बनाया है उसका भी एक प्रिंट आउट आपको अटैच करना होता है। तो इस वजह से आपको इसे डाउनलोड करना जरूरी है, अदरवाइज आप इसे सिंपली स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सेव का बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे सो ये आपकी डिवाइस में असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जहां से आप इनका प्रिंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर्स डिग्री पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जिसमें BAM, BSc, BSc M और BCom 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं असाइनमेंट के वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। और CBCS प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें BTS, BCA, BLIS, BSW सभी प्रोग्राम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, BSc बायोकेमिस्ट्री। सो एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्लिक किया CBCS BAG पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोर्स कोड्स हैं वो ओपन हो गए। सो जिस भी कोर्स कोड का आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और सिंपली फ्रेंड्स आपको हर एक असाइनमेंट पर यहाँ पर सेव बटन नजर आएगा राइट हैंड साइड पर, उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। सही असाइनमेंट जरूर डाउनलोड कीजिएगा, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और आपको इग्नू में कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे और जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कोर्स कोड का आपको असाइनमेंट बनाना है उस पर आप क्लिक कीजिए। सो इस तरह से कुछ आपके सामने असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आप इजिली अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप किस तरह से अपने असाइनमेंट्स के आंसर्स को सर्च कर सकते हैं उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे आप किस तरह से अपने असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको अपने असाइनमेंट्स में क्या क्या अटैच करना है, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें जरूर देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने का समय नहीं मिल रहा या फिर आपको डायरेक्ट आंसर्स चाहिए रेफरेंस के लिए, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं gulibaba.com से। यहाँ पर आप वेबसाइट पर इग्नू सॉल्व असाइनमेंट का ऑप्शन देखेंगे जहां पर आपको दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉपी एंड हैंड रिटन स्कैन कॉपी हार्ड कॉपी। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां से परचेज कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट को इजीली और टाइम पर सबमिट कर सकते हैं। किसी और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप इस फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।